नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अखरोट वाला दूध पीने से खास तौर पर पुरुषों को क्या क्या फ़ायदे होते हैं, जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, अखरोट वाला दूध खास तौर पर पुरुषों के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है और इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं। और साथ ही इस वीडियो में आज हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि इसको बनाने का तरीका क्या होता है जिससे इसको बनाया जाए और इसको पिया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको कुछ एक विशेष जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, दूध जीवन का एक अभिन्न अंग होता है। मनुष्य के जन्म के समय उसका पालन पोषण दूध से ही होता है। सभी लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं तो दूध को पीना छोड़ देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि दूध को पीने से परहेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध कैल्शियम और प्रोटीन का एक बढ़िया सोर्स होता है जिससे मसल्स और हड्डियाँ मजबूत आती है। दोस्तों, क्योंकि दूध में मौजूद प्रोटीन को शरीर आसानी से अवशोषित कर लेता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अखरोट को अगर दूध में मिलाकर पिया जाए तो क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा करने से हो सकता है कि दूध की जो केस की ताकत दोगुना हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसको अखरोट को दूध में मिलाकर पीने से इससे दूध की ताकत दोगुनी हो जाएगी। अखरोट वाला दूध पीने से पुरुषों को तो काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है। दोस्तों, स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक अखरोट के दूध का सेवन करने से पुरुषों की जो स्पर्म की गुणवत्ता होती है उसमें काफ़ी सुधार होता है। और यह हम ऐसे ही नहीं करें, एक रिसर्च के अनुसार 12 हफ्ते तक कुछ पुरुषों को रोजाना अखरोट खाने के लिए दिया गया और इससे उनकी शुक्राणुओं की जो गति, आकार और आयु में बढ़ोतरी पाई गई। इसीलिए पुरुषों को अखरोट वाला दूध पीना चाहिए और इसके काफ़ी फायदे होते हैं। तो चलिए कुछ फ़ायदों के ऊपर गौर कर लेते हैं। दोस्तों, अखरोट एंटीऑक्सीडेंट से समृद्ध होता है, साथ ही इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं जो एंटीऑक्सीडेंट की भांति कार्य करते हैं, जिसे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से बचने में मदद मिलती है। इसके अलावा दोस्तों, अखरोट को एक सुपर फूड भी माना जाता है, क्योंकि इसमें कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फास्फोरस, मोलिब्डेनम जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। साथ ही ओमेगा 3 फैटी एसिड भी भरपूर मात्रा में होता है, जो कि बांझपन की समस्या से छुटकारा दिलाता है। यह पुरुषों की प्रजनन क्षमता में भी वृद्धि करता है। तो दोस्तों, ये इसके कुछ एक विशेष लाभ है जो कि खास तौर पर पुरुषों के लिए समाहित होते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि इसको बनाने का तरीका क्या होता है। दोस्तों, इसके लिए आपको रात भर अखरोट को पानी में भिगोकर रख देना है और फिर सुबह अखरोट को पीसकर दूध में मिला लेना है। फिर दूध को आपको अच्छी तरह से उबालकर गुनगुना होने के बाद इसमें चाहे तो आप थोड़ी सी शहद मिलाकर इसे पी सकते हैं। शहद नहीं भी मिलाएंगे तो कोई बात नहीं। आप चाहे तो घर पर अखरोट का पाउडर या पेस्ट बनाकर भी रख सकते हैं। और जब भी दूध पीने जाएं तो इसमें एक चम्मच अखरोट के पाउडर को आप मिक्स कर सकते हैं। अगर आप कम करना चाहते हैं तो आप आधी चम्मच भी मिक्स करके इस दूध को पी सकते हैं। अखरोट वाले दूध में बादाम, केसर और मुनक्का मिलाकर भी पुरुषों की कमजोरी दूर हो सकती है। हाँ, एक बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर केसर का आप उपयोग कर रहे हैं तो वैसे तो केसर का उपयोग ना करें तो ठीक रहेगा, क्योंकि केसर बहुत ज़्यादा गर्मी प्रदान करता है। तो आप तो केवल बादाम और मुनक्का मिलाकर इसे यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे अखरोट वाला दूध पीने के कुछ फ़ायदे और ख़ास तौर पर पुरुषों के लिए फ़ायदे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।